प्रीवियस मीटिंग में हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट को लिखने के डिफरेंट वेज पढ़े थे, उसके अलावा जो वेल नोन सेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है सेट्स की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स में जो सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो है इक्वल सेट्स। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। तो सेम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, याद रखना। अगर दो सेट्स में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं या उन एलिमेंट्स जो हैं उनके सेम सेम आंसर्स मौजूद हैं, तब हम उन दो सेट्स को कहेंगे कि वो सेट्स के हैं आपस में इक्वल हैं। सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, देखें एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है, इसमें चार एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरा सेट जो है वो बी लिखा हुआ है, उसमें भी चार एलिमेंट्स हैं 1, 2, 4 एंड 3। तो दोनों सेट में देख लें सेम नंबर सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहले सेट में भी वन, अगर वन है तो दूसरे सेट में भी वन मौजूद है। पहले सेट में टू मौजूद है तो दूसरे सेट में भी टू मौजूद है। तीसरे सेट में जो है, पहले सेट में जो है वो थ्री मौजूद है तो दूसरे सेट में भी थ्री इंक्लूड है, और पहले सेट में फोर जो है वो इंक्लूड है और जो दूसरा सेट है उसमें भी फोर इंक्लूड है। याद रखें जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सेट की, तब मैंने ये जो है वो इस चीज़ के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि सेट के एलिमेंट्स को हमने तरतीब वाइज लिखना है नहीं या नहीं लिखना, क्योंकि सेट के जब एलिमेंट्स लिखते हैं तो उनके एलिमेंट्स को तरतीब वाइज लिखना या नहीं लिखना है इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है। आप सेट के एलिमेंट्स को जो है वो आगे पीछे करके भी जो है वो लिख सकते हैं, तब भी जो है वो आपका जो कलेक्शन लिखा हुआ होता है वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेट ही होता है। जैसे कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दो सेट ए और बी जो लिखे हुए हैं, पहले सेट में 1, 2, 3, 4 को जो उन्होंने तरतीब से लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, लेकिन जो दूसरा सेट बी है उसमें उन्होंने जो तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दी है, 1, 2 के बाद जो है 3 लिखा, 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है। तो तरतीब डिफरेंट हो सकती है, तरतीब डिफरेंट होने से सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका सेट ही कहलाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें तरतीब डिफरेंट होगी इसलिए सेट नहीं है, या आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें तीन जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें तीन जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है इसलिए सेट आपस में इक्वल नहीं है। ये इक्वल इस तरह इक्वल हो जो है इक्वलिटी हम नहीं देखेंगे, हम जस्ट ये देखेंगे कि सेट में सेम एलिमेंट्स मौजूद है नहीं, चाहे वो आगे पीछे क्यों ना लिखे हुए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं दोनों सेट्स को अगर आप कंपेयर करें, दोनों सेट में जो है वो सेम एलिमेंट्स जो है मौजूद हैं, आपने एक एक करके चेक कर लिया है, और इसलिए दोनों सेट के हैं आपस में इक्वल हैं। तो दे सेम एलिमेंट्स का, और उसके अलावा अगर आप मैं थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर चेंजिंग करूँ, जो पहला सेट है जिसमें अगर आप पाँच में यहाँ पर लिख दूँ, चार के बाद पाँच लिख दूँ, तो अगर आप चेक करेंगे एक एक करके, तो आपको पहले चार एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में मिल जाएंगे बी में से, लेकिन जो पाँचवा एलिमेंट है ये वाला जो भी मैंने पाँच लिखा है ये आपको दूसरे सेट में जो है वो नहीं मिलेगा, इसलिए अब ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। क्यों सेम एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं? पहले सेट में पाँच मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में पाँच जो है वो मौजूद नहीं है। अब क्योंकि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं इसलिए दोनों सेट जो है आपस में इक्वल नहीं है। और उसके अलावा ये सेट में थोड़ी सी चेंजिंग और तरह भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट बी जो है इस तरह लिखूँ, जिसका पहला एलिमेंट जो है वो इधर से अगर मैं लिखता हूँ 1, दूसरा एलिमेंट जो है वो मैं 3 लिख देता हूँ, तीसरा एलिमेंट 2 लिखता हूँ, और फोर्थ एलिमेंट जो है मैं 4 लिख देता हूँ, तब भी ये सेट बी जो है वो इस ए के इक्वल ही है, क्योंकि दोनों सेट में सेम एलिमेंट जो है मौजूद हैं। उसके अलावा अगर मैं कुछ और चेंजिंग कर देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं स्केयर रूट ऑफ 16 लिख देता हूँ, फोर्थ एलिमेंट इस सेट का स्केयर रूट ऑफ 16 लिख देता हूँ, फिर सेट को इंक्लूड करता हूँ, अब भी ये दोनों सेट क्या हैं आपस में इक्वल ही हैं। ठीक है, क्योंकि पहले सेट में अगर आप देखें तो 1 मौजूद है और दूसरे सेट में भी 1 मौजूद है, पहले सेट में 2 है तो दूसरे सेट में भी 2 है, पहले सेट में 3 है तो दूसरे सेट में भी 3 है, उसी तरह पहले सेट में अगर 4 है तो दूसरे सेट में इसके रूट 16 है, वो भी आपको पता है वो क्या है 4 के इक्वल ही होता है, तो दूसरे सेट में भी 4 मौजूद है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जिसके रूट 16 लिखा हुआ है इसकी जगह अगर आप जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं 8/2। अब जब ये नहीं कहेंगे सर पहले सेट में 4 है दूसरे सेट में 8/2 है, तो 8/2 जो डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, आपको पता है 8/2 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, आपको 4 ही मिलेगा, इसलिए दोनों सेट क्या हैं इस केस में भी ये दोनों सेट क्या हैं आपस में इक्वल ही हैं, क्योंकि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं?
two sets are said to be equivalent if and only if they have equal number of elements. ठीक है, तो पहले सेट में क्या था कि दोनों सेट, पहले डेफिनेशन में क्या था कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए. ठीक है, सेम एलिमेंट्स तभी मौजूद हो सकते हैं जब दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मौजूद हो और एलिमेंट्स भी क्या हो, सारे के सारे सेम ही हो, एग्जैक्टली आपस में इक्वल हो. लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट की, उसमें जस्ट यही कंडीशन लगाई हुई है कि दोनों सेट्स में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो अगर सेम है तब उनको हम उनको जो है आपस में इक्विवेलेंट सेट कहेंगे. तादाद सेम होनी चाहिए इक्विवेलेंट सेट के केस में, एलिमेंट्स चाहे डिफरेंट हो, सेम ना हो, उस हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में, इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट सेम हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर दो सेट्स में एलिमेंट जो है उनकी तादाद जो है वो सेम है तो उनको हम कहेंगे कि वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ पे जो ये सेट लिखा हुआ है ए, उसमें चार एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और जो दूसरा सेट लिखा है बी, उसमें भी जो है वो चार एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी. तो दोनों सेट्स में देखें एलिमेंट्स सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम है, इसलिए ये दोनों सेट क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट हैं. जब भी कोई दो सेट आपस में इक्विवेलेंट होंगे उनको नोटेशन जो है हम इस तरह लिखेंगे ए और ये नोटेशन लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे बी, और ए और बी के दरमियान ये वाला नोटेशन जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट हैं. और दो सेट कोई आपस में इक्वल हो तो उनको हम जैसे जो है इस तरह लिख देते हैं ए इज़ इक्वल टू बी. ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंट सेट की एक एग्जांपल. उस तरह अगर आप इस एग्जांपल को देखें जो कि इक्वल सेट में लिखी हुई है, तो यहाँ भी अगर आप दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को गिने तो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद क्या है, फोर है. दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट है. तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी लाजमी ही होते हैं. इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनमें सेम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. तो अगर उनमें सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं इक्वल सेट में तो जारी बात है उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उन एलिमेंट्स की तादाद भी क्या होगी, वो भी सेम ही होगी, इक्वल ही होगी. इसलिए जो इक्वल सेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट सेट भी जो है वो बन जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट भी हों. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि ये वाले दो सेट हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, इनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम है लेकिन ये दोनों सेट आपस में इक्वल, यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है. तो इक्विवेलेंट सेट का आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सेट है ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो सेट लिखे हुए हैं ये आपस में इक्विवेलेंट भी हैं. ये दोनों सेट जो हैं ए और बी, ये ए और बी आपस में इक्विवेलेंट भी हैं क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ये दोनों सेट आपस में इक्वल भी हैं क्योंकि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम ही एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में. तो यहाँ पे ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट भी हैं और इक्वल भी हैं. लेकिन दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में दी हुई है ये वाली, इस एग्जाम्पल में ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो सेट इक्वल होते हैं वो इक्विवेलेंट भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई दो सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल भी हों, वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. ठीक है, उसके बारे में फिर आपको जो है फिर सेट को देख के बताना पड़ेगा खुद ही कि वो आपस में इक्वल बनते हैं नहीं बनते. जैसे यहाँ पे आपस में इक्वल जो है वो नहीं बनते और यहाँ पे आपस में इक्वल जो है वो बन जाते हैं. तो ये था इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशंस और उनके दरमियान फ़र्क क्या होता है. यहाँ पे नोट लिखा ये वाला वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी ऑटोमेटिकली जो है बन जाते हैं, लेकिन कन्वर्स जो है वो मे और मे नॉट बी ट्रू है. कन्वर्स जरूरी नहीं है आपका होल्ड करे, कन्वर्स कभी होल्ड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता. कन्वर्स मीन्स कि जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, वो आपके फिर एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी इक्विवेलेंट सेट वाले एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्टी सेट की या नल सेट की. एम्प्टी सेट या नल सेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं. और एम्प्टी सेट की नोटेशन क्या होती है कि ब्रैकेट्स को इस तरह इंक्लोज कर दें, उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट ना लिखें, इसका मतलब ये वो सेट क्या है आपके पास एक एम्प्टी सेट है. या फिर जो है वो फाई की नोटेशन जो है ये वाले यूज़ करते हैं जिसका जो कि एम्प्टी सेट की नोटेशन को जो है अब ये बता रही थी कि आपने जो सेट लिखा है वो क्या है आपके पास एम्प्टी सेट है. ठीक है, तो ये दोनों नोटेशन है जो एम्प्टी सेट की नोटेशन के लिए यूज, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट की. तो
तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, सेट को सिंगल्टन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल लिखी हुई है, एक सेट लिखा हुआ जिसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है, ये भी सिंगल्टन सेट है। ये एक सेट लिखा हुआ है इसमें से भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, ये भी आपके पास एक सिंगल्टन सेट है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ कि आप लोगों ने फाई और ये जो सेट लिखा है ये वाला, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। इन दोनों में कुछ ना कुछ फ़र्क है, ठीक है। ये आपके पास नोटेशन जो है ये फाई की नोटेशन है, ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है। तो इस नोटेशन को जो है अगर आप जो है वो इस तरह लिख के एक सेट के अंदर इंक्लोज करते हैं ये वाला, तो अब आपके पास ये जो नोटेशन लिखी हुई है ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये सारी की सारी नोटेशन अब आपके पास एक सिंगलटन सेट होगा। क्योंकि एम्प्टी सेट की नोटेशन क्या होती है, ये वाली नोटेशन होती है एम्प्टी सेट की, सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता, ठीक है। अगर आप सेट के अंदर कुछ लिख देंगे, फॉर एग्जांपल सेट के अंदर आप कोई नेम या लेटर ही लिख देंगे या कोई नोटेशन लिख देंगे, जैसे ये फाइव की नोटेशन ही लिख देंगे, तब सेट के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो इंक्लूड कर गया, इंक्लूड आपने कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइव की नोटेशन को ही चाहे इंक्लूड कर दिया है, या किसी एक नंबर को इंक्लूड कर दिया है, या जीरो को इंक्लूड कर दिया है। जब आपने एम्प्टी सेट के अंदर अपने किसी नोटेशन को या एलिमेंट को जो है इंक्लूड कर दिया है, तब वो सेट जो होगा आपके पास, ये जो मैंने लिखा हुआ है अभी यहाँ पे ये वाला या ये वाला, ये सेट अब आपके पास जो है एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, बल्कि ये एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। सिंगलटन सेट मीन ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट जो है मौजूद होगा। फिलहाल इसके अंदर एक एलिमेंट जो है फाई है, और जो बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई हैं इनमें एक एक एलिमेंट जो है वो टू है, इनमें एक एलिमेंट जो है वो जीरो है। तो इन नोटेशन में आप लोगों ने जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये अगर सिंपली फाई लिखा हुआ है या सिंपली अगर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, फाई को इस तरह ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हो, अब ये जो नोटेशन बन आपके पास सेट लिखा हुआ है ये वाला सेट जो है एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि ये एक सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है ये वाला, जिसको हमने फाई का नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ सेट की। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी तादाद को हम कहते हैं कि वो सेट का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लें, एक सेट लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, इस सेट में कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो पांच एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेट के अंदर। तो इस सेट में एलिमेंट, इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, सेट का ऑर्डर फाइव होगा, ठीक है। किसी भी सेट के ऑर्डर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेट ए है, तो उस सेट के ऑर्डर को हम जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके साइड पे जो है वो उसके नाम के साइड पे जो है वो दो वर्ड के लाइन लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं ओ लिख के ब्रैकेट की में जो है वो आगे सेट का नाम ही देते हैं, जिसका और का मतलब ये होता है कि ऑर्डर है, और ब्रैकेट में जो ए लिखा है उसका मतलब ये होता है कि जो सेट ए है उसका ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस एग्जाम्पल की बात कर लें, जो भी हम जो है यहाँ पे कर रहे थे ए ई आई और ओ यू की, इसमें देखें सेट को अगर हम जो है वो सेट ए का मैं नाम दे दूँ, इस सेट को अगर मैं सेट ए का नाम दे दूँ, ये जो लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो सेट ए है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू फाइव है। यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो सेट ए है उसका ऑर्डर क्या है, ओ इंटू ब्रैकेट में ए, सेट का ऑर्डर कितना है वो फाइव है। तो इस तरह जो आप सेट के ऑर्डर को जो है लिख के बता सकते हैं, ऑर्डर क्या होता है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी तादाद को सेट का ऑर्डर कहते हैं। उसके अलावा द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैज़ ऑर्डर 26, कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी एंड सो ऑन जी तक अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका अगर आप सेट बनाते हैं तो सेट में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। तो उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो सेट है उसका ऑर्डर कितना है, 26 है। अब ये है कि सेट को लिखने की नोटेशन जो है बताई है, जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, कहते हैं राइट ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स। तो ऑर्डर से रिलेटेड ही आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व की हुई है, देख लेते हैं कि पहले एक सेट लिखा हुआ ए, कहते हैं इसका ऑर्डर बताएं कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो क्योंकि एलिमेंट्स तरतीबवाइज लिखे हुए हैं, आप इनको काउंट करके बता सकते हैं कि सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर आप इस सेट को देखें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 15 तक भी एलिमेंट जो हैं वो जा रहे हैं, इसका मतलब जो सेट ए है उसका ऑर्डर क्या है, 15 है। उसके बाद नेक्स्ट अगर सेट बी की बात करें तो उसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं A1, A2 एंड A3, तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए जो सेट बी है उसका ऑर्डर क्या है, 3 है।
नेक्स्ट सेट सी है उस वो क्योंकि आपको एक एम्प्ट सेट दिया हुआ है। एम्प्ट सेट मीन ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। उसमें क्या है फिर उनमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, जीरो है, इसलिए जो सेट सी है उसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो। अगर देखिए सेट सी का ऑर्डर जीरो बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि सेट में जीरो मौजूद है। सेट सी का ऑर्डर जीरो बता रहा हूँ मीन ये बता रहा हूँ कि सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट मौजूद है। सेट सी में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है मीन जीरो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो सेट सी का ऑर्डर क्या होगा, फिर जीरो होगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो जो सेट डी है एक इन्फिनिट सेट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट जो है वो चलते जाएंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सेट डी में, इसलिए सेट डी का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिट होगा। क्या इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हैं इसलिए सेट डी का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की। तो आसानी है, नाम से पता चल रहा है, ऐसा सेट जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो या ऐसे सेट जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हों उन सेट्स को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और ऐसा सेट जिनमें जिनका ऑर्डर इन्फिनिट हो या ऐसा सेट जिनमें इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों या ऐसा सेट जिसका ऑर्डर फाइनाइट ना हो उस सेट को इन्फिनिट सेट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा सेट जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो या ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं, और ऐसा सेट जो कि फाइनाइट ना हो या फिर कह लें कि ऐसा सेट जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हों ऐसा सेट को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिट सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप अपनी एग्जांपल नंबर वन जो हमने यहाँ पे भी की थी उस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे जो सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये आपके पास क्या है, ये फाइनाइट सेट हैं क्योंकि इनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, कि उनमें जो एलिमेंट्स की तादाद जो है वो क्या है, फाइनाइट है। लेकिन जो सेट डी है इसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है फाइनाइट नहीं है, इसलिए आपको जो सेट डी है वो इन्फिनिट सेट है। तो इन अबव एग्जांपल ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, वाइल जो सेट डी है वो क्या है आपके पास, एक इन्फिनिट सेट है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर टू। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस मीटिंग में हम लोगों ने सेट्स को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वेज जो है वो पढ़े थे, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये तीन वेज जो हम लोगों ने पढ़े थे किसी भी सेट को जो है वो डिस्क्राइब करने के या लिखने के। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू है उसी उन्हीं सेट को जो लिखने के वेज जो वेज थे उनसे रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या कह रहे हैं, राइट The following sets in tabular form. Tabular form कौन सी होती है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कि अगर आप सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप जो है वो बाकायदा लिख के बता दें कि ये वाले सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इस तरह के लिख सेट को लिखने का जो भी होता है उसको टेबुलर फार्म जो है कहते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर टू में उन्होंने क्या किया हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन ये वाली जो फार्म है उस फार्म में आपको जो है वो तीन डिफरेंट सेट जो है वो लिख के दिए हुए हैं, सी डी एंड ई, और कहते हैं ये जो सेट लिखे हुए हैं सेट बिल्डर नोटेशन में इन सेट को जो है टेबुलर फॉर्म में लिखें। टेबुलर फॉर्म में लिखें मीन्स कि आप बाकायदा उन एलिमेंट्स को ढूंढ के फाइंड आउट करके यहाँ पे जो सेट लिखे हुए हैं टेबुलर फॉर्म में उनको सॉरी सेट बिल्डर नोटेशन में जो सेट लिखे हैं उनमें उनको देखें, उनमें देखें कि एग्जैक्टली किन एलिमेंट्स की बात जो है वो हो रही है या एग्जैक्टली किन कौन कौन से एलिमेंट जो है सेट में मौजूद हैं उनको फाइंड आउट करके बाकायदा लिख के बताएं कि वो एलिमेंट्स जो है कौन कौन से हैं। तो बाकायदा लिखने का वो वे जो होता है एलिमेंट्स को इस तरह के कौन कौन से एलिमेंट्स के सेट में मौजूद हैं उसको टेबुलर फॉर्म जो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में आपको तीन सेट दिए हुए हैं हमने क्या करना है, इनको इसी सेट इन्हीं सेट को जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेट दिया हुआ है पहले उसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में सेट में के अंदर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो जी दी गई है हमें इस सेट के बारे में। सबसे पहले क्या कहते हैं, सेट है सी जिसमें क्या है आर्बिट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेट्स से एक्स, तो एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब एक्स कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स वो वाले एलिमेंट हैं जो सेट ऑफ इंटीजर में से हैं। तो हमने क्या करना है, सेट ऑफ इंटीजर जो हमारे पास जो सेट है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, तो ये जो इंटीजर्स हैं हमने इनमें से ढूंढने हैं नंबर्स। अब कौन से नंबर ढूंढने हैं, एक्स्ट्रा कंडीशन और भी लगाई हुई है एंड वो वाले नंबर ढूंढने हैं जो माइनस 1 और 1 के दरमियान में है। यहाँ पे लिखा हुआ है
माइनस वन लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू वन। इसका मतलब ये है कि एक्स वोबल नंबर होने चाहिए जो माइनस वन और वन के दरमियान होने चाहिए या उनके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल भी लगा हुआ है, लेस और इक्वल लगा हुआ है, इसलिए आपने वन माइनस वन और वन के दरमियान वाले भी देखने हैं और उनके इक्वल भी देखने हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स का आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर आप देखें तो सोचें कौन कौन से नंबर होते हैं जो वन और माइनस वन के दरमियान में होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर को अगर मैं किसी और वे से लिखूँ उस ओपन करके, तो होता है माइनस थ्री, माइनस टू, उसके बाद माइनस वन, फिर ज़ीरो, उसके बाद वन, फिर टू एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास है सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर आप सेट ऑफ इंटीजर में देखें तो वो कौन से नंबर सेट ऑफ वो कौन से इंटीजर्स हैं जो या तो माइनस वन और वन के दरमियान में हैं या माइनस वन और वन के इक्वल हैं। तो अगर हम ढूंढना चाहें या देखना चाहें तो माइनस वन और वन ये है, और माइनस वन वन के दरमियान जो नंबर आ रहा है वो है ज़ीरो। तो एक तो ज़ीरो है जो कि माइनस वन वन के दरमियान में है, दूसरा मुझे देखना था कि उनके इक्वल भी जो नंबर है वो भी हम लोगों ने जो है पिक करने हैं। तो माइनस वन और वन के इक्वल आपको नंबर ये एक माइनस वन मिल जाएगा और ये एक प्लस वन मिल जाएगा, और उसके अलावा ज़ीरो दरमियान में मौजूद है। तो ओवरऑल आपको जो है वो तीन नंबर मिल जाएंगे ऐसे जो कि माइनस वन और वन के दरमियान में हैं या माइनस वन और वन के इक्वल है। तो इसका मतलब जो सेट बी है, ये जो सेट बिल्डिंग नोटेशन में आपको दी, जो सेट सी है सॉरी, जो कि आपको सेट बिल्डिंग नोटेशन की फॉर्म में दिया गया है, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे माइनस वन, ज़ीरो और वन। तो इन सेट को जो आप इस तरह आप इनक्लोज कर दें उस कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, सेट सी की टेबुलर फॉर्म जो है आपकी यहाँ पे बन जाएगी। उस तरह दूसरा सेट कौन सा है, यहाँ पे कैपिटल डी। और अगर आप कैपिटल डी की बात करें तो देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। सेट कैपिटल डी में एलिमेंट्स हैं इन जनरल स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, स्मॉल एक्स आपके पास जो है वो रैशनल नंबर होने चाहिए। अब रैशनल नंबर सारे के सारे नहीं, उन्होंने लेने के लिए कहा एक कंडीशन बताई हुई है कि सिर्फ वो वाले रैशनल नंबर लेने हैं जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स वो वाले रैशनल नंबर लेने हैं जिनको अगर आप एक्स से और टू से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो थ्री आए। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो वाले रैशनल नंबर लेने हैं जो इस इक्वालिटी को जो है सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब आप को पता है रैशनल नंबर आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। आप बारी बारी एक एक रैशनल नंबर जो है यहाँ पे पुट करके ये नहीं चेक कर सकते कि कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे जो, या कौन कौन से कह लें कि सिंपली नंबर्स होंगे जो इस इक्वालिटी को जो है सेटिस्फाई करेंगे। तो एक एक करके चेक करने के बजाय आप क्या करें, सिंपली इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो नंबर आपको एक्स की वैल्यू के तौर पर मिलेंगे वही वो वाले नंबर होंगे जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। उनके अलावा कोई और नंबर इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर हैं एक्चुअली जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 2x इज इक्वल 3, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, इसको अगर हम जो है वो सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब 3/2 ही वो नंबर है जो इस इक्वालिटी को जो है वो सेटिस्फाई करता है, उसके अलावा कोई और नंबर जो है इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता दूँ ये वाला, कि अगर उस नंबर को हम जो है उस इक्वेशन में दोबारा फिर से पुट करें, जो 2x इक्वल 3 है, इसमें अगर हम जो है एक्स की जगह अगर हम 3/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, 2x इज इक्वल टू 3, 2 एक्स की जगह ये नंबर पुट किया है इज इक्वल टू आ गया 3। तो सिर्फ 3/2 ही वो नंबर है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और 3/2 आपके पास देख लें वो रैशनल नंबर भी है, और हमने भी वो वाले रैशनल नंबर ढूंढने थे जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हों। तो हमने जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करके वो नंबर ढूंढ लिए कौन कौन से इस इक्वल नंबर जो है इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, और जो नंबर हमारे पास आंसर में आया 3/2 वो रैशनल नंबर भी है। इसलिए हमें पता चल गया कि सिर्फ एक ही नंबर है रैशनल नंबर में से, सिर्फ एक ही नंबर है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ एक ही रैशनल नंबर जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, वो नंबर कौन सा है, 3/2। इसलिए हमने क्या कर दिया, 3/2 को जो है वो इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में जो है इनक्लोज कर दिया है। तो ये जो आपके पास सेट डी लिखा हुआ था, ऐसे रैशनल नंबर जो 2x इज इक्वल 3 इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ये उनका सेट था। वो रैशनल नंबर आपके पास कौन से बनते हैं, जैसे आपके पास एक
थ्री बाई टू ही यहाँ सिंगलटन सेट ही बनता है आपके पास ये वाला। उसके बाद इस तरह जो है सेट ई यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट ई में क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि वो अपने इन जनरल जो है एक्स जो है वो नंबर जो है वो कलेक्ट करने हैं, उन नंबर्स के बाद क्या कंडीशन है, वो नंबर्स आप लोगों ने सेट ऑफ होल नंबर में से जो है पिक करने हैं। और सेट ऑफ होल नंबर कौन से होते हैं आपको ये मैंने अभी बताया था प्रीवियस मीटिंग में, और आपको पहले से ही पता है कि अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो आपके पास जो नया सेट बनता है उसको सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। ये आपके पास सेट ऑफ होल नंबर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सेट ई में क्या कह रहे हैं, सेट ई में ये कह रहे हैं कि आपने सेट ऑफ होल नंबर में से जो है वो एक्स को ढूंढना है, और कौन से एक्स ढूंढने हैं या कौन से नंबर ढूंढने हैं, वो वाले नंबर ढूंढने हैं जो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करें। इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन, मीन्स आपने वो वाले होल नंबर जो है वो ढूंढने हैं कि जिनमें अगर आप जो है वो टू ऐड करें तो टू ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास क्या है, वन आए। अब होल नंबर आप देखने आपके पास इन्फिनिट नंबर्स हैं, आप बारी बारी जो है वो एक एक होल नंबर को जो है वो चेक नहीं कर सकते किस होल नंबर में हम जो है वो टू ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है वन आए। तो आप क्या करें, इस वे को फॉलो करने के बजाय आप क्या करें, इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके देख लें कि कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको जिनमें अगर हम टू ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है वन आ सकता है। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू वन। इस इक्वेशन को अगर हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी एक्स इज़ इक्वल टू वन माइनस टू, और वन माइनस टू किसके इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स की आपको वैल्यू जो है वो माइनस वन मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि माइनस वन वो नंबर है जिसमें अगर हम टू ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है वो वन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप जो है एक्स की जगह अगर माइनस वन पुट करते हैं तो माइनस वन में जब आप टू ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन सॉरी प्लस वन आ जाएगा। तो माइनस वन ही वो नंबर है जिसमें हम जो है वो टू ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वन आता है, यानी कि माइनस वन ही वो नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू वन। लेकिन अब बात यह है कि हमने वो नंबर जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में से ढूंढने थे, यानी कि हमने सेट ऑफ होल नंबर में से वो नंबर ढूंढने थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन को। तो हमने चेक कर लिया है इक्वेशन को सॉल्व करके कि सिर्फ माइनस वन ही जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और कोई भी नंबर जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब क्योंकि माइनस वन जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि हमें सेट ऑफ होल नंबर में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मीन कि सेट ऑफ होल नंबर में से कोई भी होल नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर आप उसमें टू ऐड करें तो टू ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास जो है प्लस वन आ जाए। आप एक दो नंबर चेक कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ीरो में जो है वो ज़ीरो में अगर आप टू ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो टू आएगा, वन नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप जो है वो वन यहाँ पर लिखा हुआ है, वन में अगर आप जो है वो टू ऐड करेंगे तो वन में अगर आप जो है वो टू ऐड करेंगे इस वन में तो वन प्लस टू वो थ्री आ जाएगा, वन नहीं आएगा। इस तरह जितने भी होल नंबर हैं सभी में जो अगर आप जो है टू ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो वन आंसर में नहीं आएगा। तो ये तो है इन्फिनिट नंबर्स, होल नंबर्स आप बारी बारी सभी को तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें से जो है वो एक्स की वैल्यू निकाल ली है कि एक्चुअली कौन से नंबर वो हैं दुनिया में जो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो माइनस वन था वो वाला नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन क्योंकि माइनस वन होल नंबर में मौजूद नहीं है और हमने होल नंबर में से ऐसा नंबर ढूंढना था जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो होल नंबर में से हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि माइनस वन जो है होल नंबर में नहीं होता, इसलिए होल नंबर में से ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए हमारा जो सेट ई है इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं होगा, इसलिए आपका सेट ई जो होगा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल मैं खुद से भी आपको करवा देता हूँ। इस तरह अगर आपके पास कोई लिखा हो एक सेट है, लेट्स से कैपिटल एफ, इस सेट में जो है वो नंबर लिखे हुए हैं एक्स, एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है, एक्स आपके पास जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, और उसके अलावा एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है कि एक्स जो है वो क्या है, लेट्स से कह लेते हैं दो टू स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स एंड स्ट्रिक्टली लेस देन थ्री। तो एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, और उसके अलावा उसके एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है कि एक्स जो है वो
दो और तीन के दरमियान में है उनके इक्वल नहीं है। तब अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तब अगर हमारे पास जो सेट एफ एस में क्या है, नंबर्स आपने कलेक्ट करने हैं, लेट्स से स्मॉल एक्स नंबर कलेक्ट करने हैं, कौन से नंबर कलेक्ट करने हैं, आप कहाँ से नंबर कलेक्ट करने हैं, आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से नंबर जो कलेक्ट करने हैं, और कौन से नंबर कलेक्ट करने हैं, वो वाले नंबर कलेक्ट करने हैं जो दो और तीन के बिल्कुल दरमियान में है, उनके इक्वल नहीं है। तो अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में दो और तीन के दरमियान जो है कोई भी नंबर जो है वो नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेट एफ लिखा है इसमें कोई भी नंबर जो है वो लिखने जब आप लिखने शुरू लिखने लगेंगे तो कोई भी नंबर जो है आप नहीं लिख सकेंगे, इसलिए आपका जो सेट एफ है ये आपके पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। इसको फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं या इसको आप इस नोटेशन से ये भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगा दूँ कि रेड एफ जो है उसमें जो एक्स है उसके ऊपर ये कंडीशन है कि एक्स आपका जो है वो उसमें ये कंडीशन है कि 2 <3 2 <x और एक्स जो है वो <3 है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स जो है आपका दो वो वाले नंबर हैं इस सेट में कि एक्स जो है आपका दो और तीन के दरमियान में है या दो और तीन के इक्वल है। तब अब अगर आप जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखेंगे तो दो और तीन के दरमियान में तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन दो और तीन के इक्वल नंबर आपको मिल जाएगा जो कि क्या है, दो और तीन, ये आपको लिखा नज़र आ रहा है। अब इसके केस में आपका जो एफ होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा बल्कि उसमें दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, दो और तीन, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की कंडीशन जो है लगा दी है मैंने दूसरी बार। अगर इक्वालिटी की कंडीशन नहीं है तो दो और तीन के दरमियान आपको कोई भी नंबर नहीं मिल नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आपका सेट फाइव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वालिटी की कंडीशन लगा दूँ कि 2 <2 x है और x <3 है, तो अब आपके पास जो सेट जो है उस वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा बल्कि उसमें दो तीन जो है वो आ जाएगा। तो ये है थोड़ा सा फ़र्क सेट बिल्डर नोटेशन का और टेबुलर फॉर्म का। आप जो है एक फॉर्म को जो है दूसरी फॉर्म में जो इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल हमने यहाँ पर क्या किया था, जो सेट बिल्डर नोटेशन थी उसको हमने क्या किया है, उस फॉर्म में जो सेट लिखे हुए थे हमने उनको जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो लिख दिया। इसी तरह आपकी जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है उसमें सेट जो है आपको टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे ये देखें, एलिमेंट्स लिख के बताए हुए हैं सेट में, आपने क्या करना है उनको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। मीन जिस तरह जो है वो मैथमेटिकल नोटेशन वाइज जो है लिख के बताना है कि उस सेट जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, किस सेट में से आप जो कलेक्शन ले रहे हैं और उन सेट के में जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनके ऊपर कौन कौन सी कंडीशन जो है वो लगी हुई है। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने सेट बिल्डर नोटेशन वाले सेट जो थे उनको टेबुलर फॉर्म में लिखा था। अब जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें हमने क्या करना है, आपको टेबुलर फॉर्म में सेट दिए हुए हैं, हमने उनको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3, पहला सेट जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे उसमें तीन एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। अब ये दो तीन और चार जो तीन नंबर लिखे हुए हैं आपको पता है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लिखे हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले जो है वो सेट का नाम लिखेंगे, लेट्स से ए सेट जो आपको जिसको आपने टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट से स्टार्ट करके कह दें कि सेट में इन जनरल एलिमेंट जो है वो एक्स मौजूद हैं, ठीक है। एक्स जो है वो सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब एलिमेंट्स कौन से मौजूद हैं, यानी कि किस सेट में से आप लोगों ने, मेन सेट में से आप लोगों ने कलेक्शन जो है वो इकट्ठा किया हुआ है, ये 2, 3, 4 हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हम लोगों ने कलेक्शन यहाँ पे किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्योंकि आपने सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं लिए, कुछ ही नेचुरल नंबर लिए हुए हैं, तो अब यहाँ पे लिख देंगे एंड के बाद जो एक्स जो कुछ नेचुरल नंबर लिए हुए हैं उनके उनके बारे में मजीद मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन जो बता देंगे कि कौन से एलिमेंट जो हम लोगों ने लिए हुए हैं। तो आप लोगों ने लिए हैं 2, 3 और 4, तो आपने जो नेचुरल नंबर लिए हुए हैं वो या 2 और 4 के दरमियान में हैं या 2 और 4 के इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा देंगे आपका जो एलिमेंट्स एक्स यहाँ पे आ रहे हैं इन जनरल उनके ऊपर क्या कंडीशन है कि वो एलिमेंट जो हैं वो 2 और 4 के दरमियान में हैं, ठीक है। तो लेस टोटली लेस का मतलब 2 <2 x और x <4 का मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट जो है वो 2 और 4 के दरमियान में है। और यहाँ पर अगर आप इक्वलिटी का सिंबल भी लगा देंगे इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट 2 और 4 के इक्वल भी हैं। तो इस तरह ब्रैकेट को इनक्लोज कर देंगे तो ये आपके पास जो सेट ए है इसकी सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म जो है वो बन जाएगी। सेट ए जो है उसमें क्या है, नेचुरल नंबर हैं। कौन से नेचुरल नंबर हैं,
वो वाले नेचुरल नंबर हैं जो दो या चार के दो और चार के दरमियान में है या दो और चार के इक्वल है। तो दो और चार के दरमियान वाले या दो और चार के इक्वल नंबर जो हैं वो यही बनते हैं दो तीन और चार। तो ये आपकी जो सेट ए है इसकी सेट बिल्डो नोटेशन वाली फॉर्म जो है वो बन जाएगी। उसी तरह जो सेट बी है उसमें देखिए एक ही नेचुरल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर थ्री, तो आप इसको जो है टेबल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिखेंगे सेट बी जो है वो क्या है उसमें इन जनरल एलिमेंट्स हैं लेट्स से एक्स है, एक्स आपने कहाँ से कौन से मेन सेट में से कलेक्ट किया है, एक्स आप लोगों ने जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लिखा है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से एक्स कौन से एलिमेंट लिखे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर नहीं लिखे हुए, कुछ ही लिखे हुए हैं, एक ही लिखा फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्स आपने कौन सा नेचुरल नंबर लिया हुआ है, एक्स आपने जो थ्री था वो लिया हुआ है। तो ये आपकी क्या बन गई है सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म बन गई है इस सेट बी की, कि सेट बी जो है एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर हैं लेकिन कौन से नेचुरल नंबर हैं वो वाला नेचुरल नंबर है जो थ्री के इक्वल है। तो थ्री के इक्वल नेचुरल नंबर आपको सिर्फ एक ही मिलेगा जो कि क्या होगा थ्री होगा, इसलिए टेबलर फॉर्म में ये आपके पास एक सिंगलटन सेट बन जाएगा ये वाला, और इसी सिंगलटन सेट को बी को जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थी एग्जांपल नंबर थ्री। उसके बाद है सेट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस के, सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सेट्स का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं। तो डिफरेंट ऑपरेशन सेट्स के ऊपर जो डिफाइंड हैं वो हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ेंगे, फिर अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।